वक्त बिहार के पटना से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पुनपुन में जेडीयू के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि देर रात पुनपुन के बढ़िया कोल में ये हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि जेडीयू नेता को शादी समारोह से लौटने के दौरान गोली मारी गई है। गुस्साए लोगों ने पटना और जो गया वाला मार्ग है उसको जाम कर दिया है और नाराजगी उसमें देखने को मिल रही है। उस मार्ग पर लगातार लोगों के द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है प्रदर्शन के दौरान। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, अभी क्या स्थिति है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए, अभी मामले पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और जो सौरभ पटेल हैं, जो जेडीयू के लीडर हैं, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है जी। ये घटना घटी है, सौरभ पटेल जो जेडीयू के युवा लीडर है और ये प्रॉपर्टी डीलर भी हैं, ये रात में मसौरी जो थाना इलाका है उसमें पुनपुन एक जगह है, पुनपुन में बढ़िया कोल वो गए थे अपने दोस्त के यहाँ एक शादी के रिसेप्शन में, जहां से वो अपने मित्र मुनमुन के साथ लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार चार अपराधियों ने इनकी कार को घेर लिया और इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। एक गोली सौरभ पटेल के सिर में लगी, उसके बाद उनको तत्काल वहां से अस्पताल लाया गया, लेकिन निजी अस्पताल पहुंचते पहुंचते सौरभ की मौत हो गई, जबकि मुनमुन जो उनका फ्रेंड है उसको दो गोलियां लगी हैं, उसका भी इलाज चल रहा है अभी। लेकिन सौरभ की मृत्यु होते ही इलाके में हंगामा हो गया, क्योंकि सौरभ भी पड़ोस के ही रहने वाले थे वहां पर, और उसके बाद से लोगों ने पटना गया जो मार्ग है NH-28 बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था, इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे, तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। Z News.